स्वराज्याचे शिवधनुष्य समर्थपणे पेलण्यासाठी महाराजांना नेहमीच साथ दिली त्यांच्या अगणित मावळ्यांनी. शिवरायांना माणसाची अचूक ओळख होती. त्यांनी हरलेली अशी अनेक माणसे व त्यांचे बालपणीचे अनेक जिवलग मित्र स्वराज्यासाठी झटले, लढले आणि त्यांनी स्वराज्याचे शिलेदार म्हणून इतिहासात स्वतःचे नाव अजरामर केले. ह्या प्रत्येक शिलेदाराचे स्वराज्याला दिलेले योगदान हे सुवर्णाक्षराने करून ठेवावे असे आहे. अशा काही स्वराज्य शिलेदारांची माहिती घेऊन येत आहेत विभोर सिंगलाजी. शिवाजी महाराज के सरदार एवं योद्धा परिचय. भारतीय इतिहास में कई ऐसे पराक्रमी राजा हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान की बाजी तक लगा दी, लेकिन कभी दुश्मनों के आगे घुटने नहीं टेके. और जब भी हम वीर पराक्रमी राजाओं की बात करते हैं तो हमारी जुबान पर पहला नाम छत्रपति शिवाजी महाराज का आता है, जिन्होंने मुगलों के आने के बाद देश में ढलती हिंदू और मराठा संस्कृति को नई जीवनी दी. छत्रपति शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमानी, निडर, शक्तिशाली और एक बेहद कुशल रणनीतिज्ञ थे. शिवाजी महाराज के जन्म के समय संपूर्ण भारत में मुगलों का राज था. शिवाजी वो शख्स थे जिन्होंने औरंगजेब जैसे क्रूर शासक को नाचको चले चबा दिए थे. आइए एक नज़र डालते हैं शिवाजी महाराज के कुछ महान योद्धाओं पर. हंबीरराव मोहिते मराठा साम्राज्य के कोहिनूर सेनापति थे. उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर संभाजी महाराज तक सेनापति का कर्तव्य निभाया. उनके पिता संभाजी मोहिते एक वफादार मुख्य सेनानायक थे. उन्होंने संभाजी महाराज के राज्याभिषेक में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया. छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना हंबीरराव मोहिते के नेतृत्व में आदिल शाह की सेना से मिली. उनकी सेना ने आदिल शाह की आधी से ज़्यादा सेना को वहीं पर खत्म कर दिया. अब्दुल रहीम खान को मौत के घाट उतार दिया तथा हुसैन खान को बंदी बना दिया. 1686 में मुगलों तथा मराठों के बीच में वाई का युद्ध हुआ. इस युद्ध में हंबीरराव मोहिते के ऊपर तोप का गोला आकर गिर गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई. बाजी प्रभु देशपांडे. शिवाजी महाराज और अफजल खान के युद्ध से पहले बाजी प्रभु के कहने पर महाराज ने कुछ मजबूत और बलिष्ठ लोगों के साथ युद्ध अभ्यास किया. इससे युद्धभूमि में अफजल खान को मौत के घाट उतारने में उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आई. जब सिद्दी जौहर ने पन्हाला किले की घेराबंदी की तब घोड़खिंड के पास बाजी प्रभु ने महाराज को आगे जाने के लिए कहा और खुद दोनों हाथों में तलवार लिए जख्मी शरीर के साथ वो लगातार दुश्मन को मौत के घाट उतार रहे थे. शिवाजी महाराज ने विशालगढ़ किले के द्वार पर पहुंचकर तोपों के साथ बाजी प्रभु को संदेश दिया कि वो सुरक्षित पहुंच गए हैं. तब तोपों की इस आवाज़ को सुनकर बाजी प्रभु के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान आई और इसके बाद वो इस धरा से विदा हो गए और इस तरह एक वीर को वीर गति मिली. जीवा महला छत्रपति शिवाजी महाराज के अंगरक्षक थे. प्रतापगढ़ की लड़ाई में इन्होंने महाराज के प्राण बचाए थे. अफजल खान शिवाजी महाराज के प्रतापगढ़ किले को घेर के बैठा था. बातचीत के लिए महाराज अपने साथ जो दो अंगरक्षक ले गए थे उनमें एक थे जीवा महला. खान इस बहाने शिवाजी महाराज के साथ धोखा करके उन्हें मारने के इरादे में था. वो बातचीत के दिन अपने कपड़ों में बाघ नख छुपा के ले गए थे. जब खान ने महाराज को गले लगाने के बहाने दबोच कर मारना चाहा तो महाराज ने बाघ नख से उसका पेट चीर कर फाड़ डाला. इस दौरान जब खान चिल्लाया तो खान के अंगरक्षक ने महाराज पर तलवार से जोरदार वार किया. इस वार को जीवा महला ने अपनी तलवार से लौटाया. शिवाजी महाराज के प्राण बचाने के बाद वह होता जीवा मनून वाचला शिवा अर्थात था जीवा इसलिए बचा शिवा के नाम से पहचाने जाते हैं. हीरोजी इंदुलकर. स्वराज के वास्तुकार हीरोजी इंदुलकर. सेवा के लिए तैयार हीरोजी इंदुलकर. हीरोजी द्वारा कई सौ किले, राजभवन, राजसभा, रानी का महल, टकसाल, अन्नभंडार, गढ़शाला आदि का निर्माण किया गया था. साल 1656 में हीरोजी ने अपने वास्तुकला कौशल से रायगढ़ किले का निर्माण शुरू किया. जब इस भवन के निर्माण के लिए पैसे खत्म हो गए तो उन्होंने अपनी पुश्तैनी जमीन का अधिग्रहण किया, घर बेच दिया
और एक शानदार रायगढ़ का निर्माण किया। इस किले में ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक हुआ था और हिंदवी स्वराज की नींव रखी गई थी। यहीं पर शिवाजी महाराज को छत्रपति की पदवी मिली थी। 1300 एकड़ में फैला ये किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तहत आता है। बहीर जी नायक किसी भी भेष को भरने में माहिर थे। सामने वाले के मुंह से बिना उसकी जानकारी के उसके शब्द चुरा लेने की उनमें चतुराई थी। पहली नजर में महाराज ने देखा कि यह व्यक्ति खेलने के लिए नहीं बल्कि दुश्मन को हाथों में खिलाने के लिए पैदा हुआ है। बहीर जी ने चतुराई से 3 से 4 हजार जासूसों को अलग अलग प्रांतों में लगाया था। किसी भी अभियान के लिए प्रस्थान करने से पहले बहीर जी को उस स्थान और संबंधित व्यक्तियों की सटीक जानकारी प्राप्त करके महाराज को नियत समय में देनी होती थी। उन्होंने खुफिया विभाग के लिए एक कोड बनाया था जिसे सिर्फ उनके जासूस ही जानते थे। भारतवर्ष का इतिहास ऐसे अनेक वीरों से भरा हुआ है। इन्हें एक सूची में लिखना तो असंभव है, लेकिन कुछ नाम इस प्रकार है: नेताजी पालकर, कोंडाजी फरजत, कृष्णजी कंद, शंकर जी नारायण, कान्होजी आंग्रे, शिवा काशिद, येसाजी कंग, फूलाजी प्रभु देश पांडे, शंभू सिंह जाधव राव, रायाजी राव बंदल, चिमनाजी देश पांडे, बाजी सर्वे राव, संताजी घोरपड़े, धनाजी जाधव। रिसेंटली इन मार्च 2022, जस्ट फ्यू डेज और वीक्स अगो, जापानीज आर्मी विजिटेड ऑन स्टडी टूर टू पन्हाला फोर्ट, ऑल्सो नोन एज पन्हालगढ़। This indeed is a proud moment for all of us Indians in Japan. हर हर महादेव। Such an insightful presentation of the great heroes from Shivaji era. Thank you so much, Vibhor ji.